Hello students, you are most welcome in our online learning platform Let's Study India. अथर्व बैच 1.0 की सक्सेस के बाद हम अथर्व बैच 2.0 लेके आ रहे हैं, जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी. मैं हूँ आपकी जूलॉजी मेंटर प्रशंसा पाठक और हम आज पहले देखते हैं हमारे जो बैच है अथर्व, उसका कुछ स्पेशल फीचर्स. तो इस बैच के हमारे स्पेशल फीचर्स ये हैं कि आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी जो भी क्वेरी रहेगी, जो भी डाउट रहेगा, वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा. फिर लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा, यानी कि हर चैप्टर के एंड में एक लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा, जिसमें आपको जो भी डाउट रहेगा, जो वीडियो लेक्चर से नहीं पूरा हुआ रहेगा, तो अगर उसके बाद भी कोई और डाउट रहता है तो वो हम उसमें आपका क्लियर कर देंगे वो डाउट. फिर ई बुक और नोटबुक्स या फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप के थ्रू आपको प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी. अब नोट्स भी प्रॉपरली हैंड रिटन आपको प्रोवाइड की जाएंगी. फिर चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का जो भी जितने भी क्वेश्चंस या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जहां पे भी आए रहेंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके थ्रू. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो पिछले साल के आपके यूनिवर्सिटी में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए रहेंगे, वो हम आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप उसको रिकॉल करते रहें और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा आ जाए, समझने की भी. क्योंकि एक नेट, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो डेफिनेट रहता है कि नेट जेआरएफ का एग्जाम, तो नेट में एक सबसे पहला होता है कि आजकल क्वेश्चन ना बहुत ट्रिकी देता है, तो उस क्वेश्चन को समझने की भी कैपेसिटी को भी रहता है. फिर मॉडल पेपर, यानी कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के पहले हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे. वो भी मॉडल पेपर, वो कैसा मॉडल पेपर होगा, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए रहेंगे पिछले बार, उसका हम प्रॉपर एक समअप तैयार करेंगे या फिर एक निचोड़ तैयार करेंगे, जो कि आपको ऐप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे. और फिर उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को फिर एग्जाम में जाने का आप टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा अच्छे से, कि आप किस इतने टाइम में मेरे को ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, फिर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकते हो और आपका क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम हो जाएंगे. फिर लाइव वन डाउट, लाइव वन शॉट फॉर एवरी चैप्टर रिविजन, यानी कि ये एक वन शॉट रिविजन रहेगा, जिसमें कि आप ये प्रॉपरली एक चैप्टर वाइज रिविजन रहेगा, जिसमें कि ना आपको कोई नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा. सिर्फ ये एक वीडियो, मतलब ये एक रिवीजन वीडियो आपके लिए सफिशियंट रहेगा. बेस्ट ये भी है कि ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा. फिर टेलीफोनिक मेंटरशिप, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके डाउट्स रह जाते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं उनको बहुत सारे, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं. अब बात करते हैं फीस की, तो हमारी जो फीस है वो 2699 है हमारे बैच की. और अगर आपको ये ज्यादा लग रहे हैं तो प्रशंसा 10 कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं. एज एन इंडियन हम सब जानते हैं कि को डिस्काउंट हमें सबको यूज करना पसंद है, सो प्रशंसा 10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट का फायदा उठाइए. ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया, और यहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब एंड टेलीग्राम. तो मैं ना सेमेस्टर थर्ड, बीएससी के सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, जो कि ये जो सिलेबस है ये MGKVP, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज और बहुत सी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस है. ये जो सिलेबस है इसका नाम है, अब ऑब्वियसली सिलेबस है तो उस पेपर का कुछ तो नाम होगा, तो इसका नाम है मॉल बायो, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी मैं उसे इंस्ट्रूमेंटेशन ही कहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स हो गए, रोटर्स हो गए, सेंट्रीफ्यूज हो गए, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स भी इसमें हमें इस सिलेबस में पढ़ना है. यानी कि सेमेस्टर थर्ड में हमें मॉल बायो पढ़ना है, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है और लास्ट में उनकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है. तो अब एनईपी ने सबसे पहले क्या किया है, हम सबको पता है कि एनईपी ने इस टाइम सबसे पहले जो किया है वो ये है कि उसने
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए. पहले क्या होता था ना कि कुछ कुछ कॉलेजेस में ही सेमेस्टर एग्जाम होते थे बीएससी में. हम हर में बीएससी सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता था, कुछ ही कुछ में होता था. पर अब उसने सेमेस्टर कर दिया, सेमेस्टर के साथ साथ यूटी टाइप, जैसे हमारे स्कूल्स में यूटी होता है ना, यूटी वन यूटी टू, इसमें कर दिया है मिड टर्म एग्जाम. तो ये 25 मार्क्स का ये मिड टर्म एग्जाम होगा जो कि हमारे फाइनल में जुड़ेगा. फाइनल समझ जाओ क्या है, सेमेस्टर एग्जाम. इससे ना बहुत आसान भी हो गया है ये, फिर बच्चों को रिकॉल करने में बहुत आसान हो गया है और इससे मार्क्स में कोई मार्क्स जल्दी मतलब मार्क्स गेन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, मार्क्स ज्यादा गेन होते. तो पहले हम बात करेंगे यूनिट वन की, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोसेस हैं, उसमें है हम सबसे पहले पढ़ेंगे. ट्रांसक्रिप्शन हमारा यूनिट है और उसमें प्रोसेसेस. तो सबसे पहले इसके जो प्रोसेस है, सबसे पहले जीन पढ़ेंगे, यानी कि जीन क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका फंक्शन क्या होता है. ठीक है, फिर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्या होता है, इनका यूज क्या होता है. फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कौन सा फैक्टर होता है ट्रांसक्रिप्शन का और कौन कौन सा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करता है. ट्रांसक्रिप्शन की क्या क्या मशीनरी है ये हमें पढ़ना है. फिर उसके बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, फिर एलोंगेशन एंड आफ्टर दैट टर्मिनेशन. तो ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें पढ़ना है. फिर हमें इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये तीनों प्रोसेस किसमें पढ़ना है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तीनों में पढ़ना है. ट्रांसक्रिप्शन का ये तीनों प्रोसेस मतलब पूरे ट्रांसक्रिप्शन हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पढ़ना है. प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, वो एनिमल जिनके पास न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं है, यानी कि सिंगल सेल्ड एनिमल. यूकैरियोट्स वो एनिमल जिनके पास न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप्ड है. यू मतलब ट्रू एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस. अब हम बात करते हैं यूनिट टू. यूनिट टू यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. अभी हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तो जेनेटिक कोड, वो जेनेटिक कोड एक कोडॉन वाला जिसमें कोडॉन को यूज करके स्टॉप कोडॉन फिर स्टार्ट कोडॉन ये सब बनते हैं ना, वो हमें पूरा पढ़ना है. फिर उसके बाद राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस हाउस से हम कहते हैं, इनको पूरा पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है ये पढ़ना है. फिर फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हैं वो पढ़ना है, मतलब कौन कौन से फैक्टर हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस के टाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पढ़ना है. फिर अमीनो असाइलेशन, टीआरएनए का अमीनो असाइलेशन पढ़ना है और टीआरएनए की आइडेंटिटी पढ़नी है, यानी टीआरएनए है क्या वो पढ़ना है. फिर अमीनो एसिटाइल टीआरएनए का सिंथेटेज पढ़ना है, यानी कि अमीनो एसिटाइल टीआरएनए बन कैसे रहा है, वो एंजाइम बन कैसे रहा है वो पढ़ना है. अब इसमें भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म का पूरा पूरा ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ना है. ट्रांसलेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, मतलब कि इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इसमें भी पूरा पढ़ना है. इनिशिएशन यानी कि चेन का मतलब चेन को सेलेक्ट करना, एलोंगेशन यानी चेन को एलोंगेट करना, एलोंगेट होती है, और टर्मिनेशन यानी कि फिर टूट जाना. अब यूनिट थर्ड, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वन, टॉपिक वन. तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में तो सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में हमें पढ़ने को मिलेगा लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. यहां पे टीआरपी है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ओपे टी आर पी ओपेरॉन. इसमें हमें दोनों पढ़ना होगा, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ मोड. टीआरपी यानी कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, और वो भी किसमें पढ़ना है, इकोलाई बैक्टीरिया में. फिर दूसरा हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में हमें पढ़ना होगा कि क्रोमैटिन का जीन एक्सप्रेशन में क्या रोल है. फिर और हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का रेगुलेशन पढ़ना है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल का रेगुलेशन कैसे किया जाता है. फिर उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फिर उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स क्या क्या हैं. तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉली एडेनाइलेशन, और फिर आरएनए की एडिटिंग कैसे होती है या ये है क्या,
वो पढ़ना है, फिर आरएनए एडिटिंग के टाइप्स भी पढ़ना है. नाउ वी आर मूविंग टू द यूनिट 4. यूनिट 4 में हमें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 2. तो जीन एक्सप्रेशन 2 में हमें पढ़ना है सबसे पहले तो यूकेरियोट्स. यूकेरियोट्स में हमें पढ़ना होगा ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब कि इसमें भी उसमें ट्रांसक्रिप्शनल लेवल था, इसमें ट्रांसलेशनल लेवल होगा, मतलब कि ट्रांसलेशनल लेवल पे उसका रेगुलेशन. फिर उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और प्रोटीन की फोल्डिंग. फिर इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो डिग्रेड हो रहा है वो पढ़ना है. फिर जीन की साइलेंसिंग, आरएनए का इंटरफेरेंस, इसको हमें आरएनए इंटरफेरेंस ये एक टॉपिक है वो भी पढ़ना है. और ये इससे हम आरएनए स्मॉल आई से डिनोट करते हैं. फिर हमारा फिफ्थ यूनिट है, यहाँ पे हमारा बायोटेक्निक मतलब कि इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट होता है. प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ सम माइक्रोस्कोप्स, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी पढ़ना है, मतलब कि माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, उसका यूज क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है वो पढ़ना है. फिर कितने टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं, तो कौन कौन से हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर उसमें लाइट, फिर डार्क फील्ड, फिर फेज कॉन्ट्रास्ट और ये सारे माइक्रोस्कोप आते हैं उसके अंदर. फिर हमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी पढ़नी है, फिर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके इमेज को देखा जाता है. फिर यूनिट 6 में क्या है कि सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है. सेंट्रीफ्यूगेशन जो यूपी कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे वो अगर देखे होंगे तो सेंट्रीफ्यूज हमारे कॉलेज में रखा हुआ, सेंट्रीफ्यूज की एक मशीन है वो कॉलेज में प्रॉपरली रखी हुई, उसमें सेंट्रीफ्यूज का होता है हाई स्पीड और लो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज वाली स्पीड उसमें होती है, वो दो टाइप के होते हैं. सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है. फिर कितने टाइप्स के प्रिंसिपल हैं, सॉरी कितने टाइप्स के सेंट्रीफ्यूज है, तो हाई स्पीड है या तो फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, मतलब कि ज्यादा है. फिर रोटर्स पढ़ना है उसमें, तो वर्टिकल है वो रोटर या स्विंग आउट है या फिर फिक्स्ड एंगल रोटर है वो, ये पढ़ना है. फिर उसके बाद प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी भी हमें पढ़ना है उसमें. अब क्रोमेटोग्राफी में कितने टाइप की है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो कि ऐसे होती है, मतलब कि एक जार लिया जाता है, फिर इसमें यहां पे कुछ अमीनो एसिड्स के डॉट रहते हैं, फिर यहां पे वो रन करता है तो पता चलता है कितना, मतलब कि ये अमीनो इसमें डिप किया रहता है ना इस फ्लूइड में, सॉल्वेंट में, फिर पता चलता है वो कितना, ये अमीनो एसिड्स कितने रन किए, ल्यूसीन और दो और है. आयन एक्सचेंज भी है जो कि एक टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है. क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना कि एक मोबाइल फेज होगा और एक स्टेशनरी फेज होगा. मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज का मतलब कि एक जो फेज होगा उसमें वो रुका हुआ होगा और एक जो फेज होगा वो मूविंग होगा. जैसे इसमें ये जो अमीनो एसिड है और ये जो सॉल्वेंट है ये क्या है, मोबाइल फेज है. बाकी जार और ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है ये क्या है, ये है स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ फेज है. इसमें ध्यान रखना है, इसमें मतलब क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होता है, मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज. हमें इसमें जेल फिल्ट्रेशन वाला भी पढ़ना है, मतलब जेल फिल्ट्रेशन मेथड, एचपीएलसी एफिनिटी भी पढ़नी है इसमें. फिर हमारा मतलब यूनिट 7 है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स. तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना होगा कि पीएच का मेजरमेंट कैसे करें. जो पीएच क्या कहते हैं, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो उसका हम मेजरमेंट कैसे करें, पीएच का मेजरमेंट कैसे करें. फिर बफर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब वो जो बफर सॉल्यूशन है HCO3+, उसका हम प्रिपरेशन कैसे करें. फिर कैलोरीमेट्री क्या होता है और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है. और इन दोनों में हमारा एक लॉ है जिसे कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ, ये आता है, ये भी हमें पढ़ना है इसमें. फिर उसके बाद मेजरमेंट एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर
टेक्निक, मतलब एक टेक्निक है रेडियो ट्रेसर टेक्निक, उसका हमें मेजरमेंट पढ़ना है कि वो मेजरमेंट कितना है उसका, फिर उसके यूज पढ़ने और कुछ उसके सेफ्टी मेजर्स, यानी कि उसको यूज करने के टाइम हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वरना अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है। नाउ यूनिट 8, तो यूनिट 8 में हमारा है, यूनिट 8 का नाम मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जिसमें है डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन किसके थ्रू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन, फिर उसके बाद डीएनए सिक्वेंसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब कि डीएनए की सीक्वेंसिंग, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग और आरएफएलपी, फिर उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर और डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन डिटेक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पेज यानी पॉली एक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर एलाइजा यानी कि एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट असे, सॉरी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, देखना अभी मैं यहां पे लिख देती हूं ना, पेज का होगा पॉली एक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हो गया आपका पेज और ये एलाइजा। एलाइजा में हमें उसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। एलाइजा हमारा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे, ठीक है। और हमें एक और पढ़ना है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये एक ब्लॉट होता है उसके, और इसमें हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, वो है डॉट ब्लॉट, ठीक है। ये जो तीन है टॉपिक्स, मतलब ये जो तीन चीजें, इसके थ्रू हम पता करते हैं प्रोटीन का डिटेक्शन की प्रोटीन है कि नहीं। तो ये जो हमारा सिलेबस डिस्कशन था सेमेस्टर 3 का, ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ और क्लासेस हमारी ऑन है, मतलब चल रही है ऐप पे, तो आप जल्दी जल्दी हमारे ऐप को डाउनलोड करो और हमारे कोर्स को परचेज करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करो, अपना पढ़ाई स्टार्ट करो और अच्छे अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।